गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे एडवर्टीजमेंट, और एडवर्टीजमेंट में हमने फर्स्ट पढ़ लिया था मैट्रिमोनियल्स कॉलम वाला, और सेकंड पढ़ा था हमने प्रॉपर्टी फॉर सेल और या टू परचेज का। इसके बाद आज हम पढ़ रहे हैं थर्ड हमारा एडवर्टीजमेंट है, वो है अपॉइंटमेंट के लिए। थर्ड कौन सा है हमारा? अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट को मैं हिंदी में बात करूँ तो इसका मतलब यूँ कह सकते हैं हम, एक तरीके से आवश्यकता, क्या कह सकते हैं इसको हम, आवश्यकता। ये किस तरीके का एडवर्टीजमेंट होगा उसके बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो भाई, अपॉइंटमेंट की मैं बात करता हूँ तो अपॉइंटमेंट में दो चीज़ें चलती हैं। दो कौन कौन सी चीज़ें? एक तो है सिचुएशन वैकेंट, सिचुएशन वैकेंट, और सेकंड है दूसरा हमारे पास में सिचुएशन वांटेड। ये दोनों चीज़ें क्या हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। पहले तो सिचुएशन वैकेंट, वैकेंट का मतलब तो होता है खाली, और सिचुएशन का मतलब होता है पद, यानी कि पद रिक्तता। इसको हिंदी में बोले तो क्या बोल सकते हैं हम? पद रिक्तता। जबकि सिचुएशन वांटेड का मतलब बोलेंगे पद चाहिए। क्या चाहिए अपन को? कोई भी पद चाहिए, पोस्ट चाहिए। क्या होता है? दोनों तरीके से एडवर्टीजमेंट दोनों तरीके से हम लिखा जाता है हमारे पास में। यानी मान लीजिए कोई संस्था है हमारे पास में, संस्था है उसमें यदि कोई पोस्ट खाली है, या कोई भी टीचिंग के लिए अपन मान लीजिए जैसे एक स्कूल होती है, और स्कूल में जैसे कोई भी लेक्चरर, कोई भी स्टाफ की कमी पड़ती है, तो स्कूल जो मैनेजमेंट जिस तरीके से एडवर्टीजमेंट जारी करेगा वो किस में आएगा? हमारे पास में सिचुएशन वैकेंट में, यानी कि हमारे यहाँ पद खाली है और आप इस पद के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो इस तरीके की जो एडवर्टीजमेंट होगी वो किस में आएगी? हमारे पास में सिचुएशन वैकेंट के अंदर, ठीक है, यानी कि पद रिक्तता के अंदर। जबकि दूसरी जो है सिचुएशन वांटेड, इसमें क्या होता है कि जैसे मैं ही हूँ मान लीजिए, और मेरे पास एक अच्छी तरीके से कह सकते हैं क्वालिफिकेशन है, मैं एक्सपीरियंस हूँ, मेरे पास सब चीज़ें हैं, लेकिन मुझे कोई यदि पद चाहिए, या मुझे हो सकता है कोई टीचिंग का पद चाहिए, तो उसके लिए जो मैं एडवर्टीजमेंट दूंगा तो वो किस कॉलम में जाएगा? अपॉइंटमेंट वाले में, किस थ्रू जाऊँगा? सिचुएशन वांटेड, यानी कि मेरे को क्या चाहिए? पद चाहिए। तो दोनों तरीके से हम एडवर्टीजमेंट जारी करते हैं। संस्था के हिसाब से करेंगे तब तो आएगा सिचुएशन वैकेंट में, ठीक है, और यदि हम खुद के लिए पद देख रहे हैं तब किस में आएगा? सिचुएशन वांटेड में, ठीक है। अब देखते हैं कि जैसे सिचुएशन वैकेंट में यदि हमको पद अपने पास में एडवर्टीजमेंट डालना है, यानी मान लीजिए आप कोई संस्था के हेड है, आप मान लीजिए अपने स्कूल के प्रिंसिपल है, और आपके यहाँ पर स्टाफ मेंबर्स में से जैसे मान लीजिए इंग्लिश लेक्चरर की कमी है, तो आप एक एडवर्टीजमेंट जारी करेंगे। किसके लिए एडवर्टीजमेंट जारी करेंगे हम? कि हमको आवश्यकता है किसकी? इंग्लिश लेक्चरर की आवश्यकता है। तो उसके लिए किस प्रकार से एडवर्टीजमेंट जारी करना है, तो कौन कौन सी चीज़ों का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा हमको, वो विशेष पर ध्यान रखना है कि सबसे पहली बात, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन। इसका मतलब ये हो गया कि आपकी संस्था क्या नाम है, ठीक है, आपकी संस्था क्या नाम है। दूसरी बात, आपके पास में संख्या कितनी है, नंबर ऑफ पोस्ट, यानी कि पदों की संख्या, और किस किस टाइप के पद है, ये आपको चर्चा करनी पड़ेगी, ठीक है। आप एक एडवर्टीजमेंट में किस तरीके से अपना एडवर्टीजमेंट दोगे, तो एक तो आपको किसके बारे में बताना पड़ेगा, अपनी संस्था का नाम देना पड़ेगा। दूसरा, आपको पोस्ट की संख्या बतानी है, किस प्रकार की पोस्ट है, टाइप एंड नंबर दोनों चीज़ें, यानी किस प्रकार की पोस्ट है और कितनी पोस्ट है उसके बारे में बताना पड़ेगा, ठीक। उसके बाद में आपको बताना पड़ेगा कि कितनी एज तक के आपको स्टाफ चाहिए। इसके अलावा सेक्स, मेल फीमेल के बारे में बताना पड़ेगा कि मेल स्टाफ चाहिए या फीमेल स्टाफ चाहिए, ठीक है। उसके बाद में क्वालिफिकेशन, विशेष तौर पर क्वालिफिकेशन के बारे में बताना पड़ता है कि आपको चाहिए भाई, मान लीजिए इंग्लिश लेक्चरर के लिए चाहिए तो फिर क्वालिफिकेशन एम ए बी एड का होना ज़रूरी है, तो इस प्रकार से क्वालिफिकेशन वह चाहिए। उसके बाद एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस के बारे में आपको बताना पड़ेगा कि हाँ भाई आपको 5 साल के एक्सपीरियंस वाले चाहिए, 3 साल के एक्सपीरियंस वाले चाहिए, तो इन चीज़ों का उल्लेख करना है। और देखते हैं किस किस चीज़ों का उल्लेख करना है। हाँ, एक चीज़ है हमारे पास में, उसकी सैलरी, सैलरी प्रॉमिस्ड, यानी कि सैलरी को बताना पड़ेगा कितनी सैलरी के तक के एक्सपेक्टेड सैलरी कितनी चाहिए,
30,000 35,000 एक्सपेक्टेड सैलरी वाले आदमी। उसके बाद में इन सारी चीज़ों की डिटेल देने के बाद आपको याद ही होगा एक चीज़ आएगा, कॉन्टैक्ट एड्रेस। कॉन्टैक्ट एड्रेस नहीं दे सकते तो क्या लिखना पड़ेगा अपन के पास में, PO बॉक्स नंबर। ये सारी डिटेल जो है आपको किस में देनी पड़ेगी, सिचुएशन वैकेंट में पद रिक्तता। यानी कि अपने डायरेक्ट यू कहें हम कि हम अपने स्कूल के प्रिंसिपल हैं, आपके इंग्लिश लेक्चरर की कमी पड़ गई, ठीक है, आपको डालना है एडवर्टीजमेंट, और एडवर्टीजमेंट डालना है तो आप किस तरीके से डालेंगे, सबसे पहले ऊपर कॉलम में तो क्या लिखेंगे, सिचुएशन वैकेंट, ठीक है, यानी कि पद रिक्तता है, कहाँ है वो अपन लिखेंगे। फिर उसके बाद देखो क्या क्या चीज़ डालनी है, हमको चाहिए वांटेड लेक्चरर, क्या चाहिए था, एक लेक्चरर चाहिए, लेक्चरर के बारे में बताएंगे कि लेक्चरर चाहिए, उसकी क्वालिफिकेशन ही मस्ट बी MA BEd, ठीक है, एक्सपीरियंस बताना चाहिए, हैविंग 5 टीचिंग एक्सपीरियंस। इसके अलावा उसकी एज के बारे में उल्लेख करें, चाहे न करें, 5 साल का एक्सपीरियंस होगा ठीक हो जाएगी बातें। मेल चाहिए फीमेल चाहिए आप चाहे तो उसके बारे में बता सकते हैं। पोस्ट की संख्या आपने बताई थी कितनी पोस्ट चाहिए। सैलरी प्रोमिशन, कितनी सैलरी आप उसको दे सकते हैं उसके बारे में बताना पड़ेगा। फिर उसके बाद में बच गया कॉन्टैक्ट एड्रेस, यानी कि वो कॉन्टैक्ट आपसे कैसे करेंगे, वो आपके स्कूल का नाम, ठीक, प्रिंसिपल हो आप स्कूल का नाम देंगे, प्रिंसिपल का नाम आ जाए, स्कूल का नाम आ जाए उसके पीछे, और फिर PO बॉक्स नंबर चाहे तो आप दे सकते हैं, नहीं तो जब कॉन्टैक्ट एड्रेस देने का तो उसके बाद में आपको PO बॉक्स देने की आवश्यकता नहीं है। तो ये सारी चीज़ें तो आप किस में देखेंगे, सिचुएशन वैकेंट में, क्लियर। अब दूसरी बात आती है सिचुएशन वांटेड, इसमें क्या होगा, इसमें भाई आप खुद में एक लेक्चरर हो, मान लीजिए आप खुद में क्या हो, एक लेक्चरर हो या खुद में एक एम्प्लॉई हो, आपको खुद को एक पद चाहिए, ठीक है, तो आप अपनी डिटेल देंगे। सबसे पहले देखो कौन कौन सी चीज़ें डिटेल में देनी पड़ती है, आपकी एक तो एज, आप कितने साल के हो, दूसरी बात है आपकी क्वालिफिकेशन, आपकी खुद की क्वालिफिकेशन कितनी है, आप काम करने में कैसे हो, एक्सपर्ट हो वगैरह जो भी आप डाल सकते हैं अपनी विशेषता के तौर पर, ठीक, आपका एक्सपीरियंस कितना है, कि आप कितने एक्सपीरियंसधारी हो वो भी आपको डाल सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा और देख लीजिए आप, ये तो आपका सेक्स मेल फीमेल तो उसमें अपने आप चला ही जाएगा, फिर और बच गए अपने पास में कोई विशेष योग्यता, कोई भी अगर आप मान लीजिए विशेष योग्यता, यानी कि आप हो सकते हो कोई दूसरे डिग्रीधारी हो, जैसे कि मान लीजिए दूसरे कंप्यूटर के बारे में नॉलेज हो। इसके अलावा और भी जो चीज़ें आप अपनी विशेषता के तौर पर जितना डाल सकते हैं उसे, ताकि आपको सामने वाला अपने आप ही ये करने लग जाए कि हाँ भाई ये आदमी काम का है तो इसको तुरंत पकड़ना चाहिए। तो इस प्रकार से अपनी जो विशेषता आप डाल सकते हैं वह यहाँ डालेंगे, और फिर नीचे वही चीज़ें रखनी पड़ती है, कॉन्टैक्ट एड्रेस, ये दोनों में से कोई भी एक। तो मैं यूँ कहूँ कि दोनों तरीके से कैसे बनाएं, आप लोगों को इतना ध्यान रखना है कि आप क्या देख रहे हो। इम्पोर्टेंट इसमें देखा जाए तो यही पूछा जाता है सिचुएशन वैकेंट के लिए, कि आप किसी भी संस्था के ऐड है, आपके लिए आपको जो पद चाहिए था, पद रिक्तता है, वो इस प्रकार से सरकार में आता है। आपने देखा होगा अपने स्कूल का भी ऐड आता रहता है, इसी प्रकार से जब स्कूलें प्रारंभ होती है तो उस समय पर आता रहता है किस प्रकार से आप अपना एडवर्टीजमेंट अपने कॉलम में जारी करते हैं।